आईपीपीटी का हाई वोल्टेज टेस्ट, ये हमारा सेटअप है, ये किट है, हाई वोल्टेज किट सेटअप। यहाँ पर देख सकते हैं कि यह रेजिस्टेंट टाइमर है, कितना हम हाई वोल्टेज देके रेजिस्टेंट कर सकते हैं, पावर के लिए, ऑपरेट के लिए, अलार्म के लिए। हाई वोल्टेज की रेटिंग कितना वोल्टेज जा सकता है आपका, ठीक है। यहाँ पर 10, 20, 40, 60, 80 और 100, ये केवी है, ठीक है। यहाँ पर केवी पे ऊपर वाले पर डीसी का है, बेसिकली ये हम ऑपरेट कर सकते हैं। और ये हमारा वेरियक है, यहाँ से हम इसको प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है कि कितने करंट के प्रोटेक्शन पे 2 times जो करंट लीकेज करंट है उसको 2.1 times में टिप होगा। और यहाँ पर सिलेक्टर स्विच दिया हुआ है, ये मिली एम्पियर के भी दिया हुआ है। मिली एम्पियर में यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो रेशियो है, आप जो देखेंगे ये हाई वोल्टेज जो रहता है इसका कनेक्शन रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे आउटपुट में, ये आउटपुट वोल्टेज है केवी में, ये आपका आउटपुट है जो वोल्ट में है, ये मेजरमेंट्स के लिए है। ग्रीन वाला जो है वो वोल्ट में है, 430 मेजरमेंट के लिए, ग्राउंडिंग के लिए और इनपुट पावर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम है आउटपुट वोल्टेज यहाँ आया हुआ है, और ये आपका मेजरमेंट के लिए, ये ग्राउंडिंग के लिए, और ये आपका वो किट है जहाँ से HP कनेक्ट करके आपको ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो नेम प्लेट है, ये जो नेम प्लेट है ये आपका कैपेसिटी जो है 25 kVA का है, 400 इनपुट वोल्टेज है, इनपुट करंट 32.5 का है, VA 100 का है और आउटपुट करंट 25 mA का है, ठीक है। 25 mA मतलब 100 kVA देने में से 25 mA जाएगा, ठीक है। इसका सेटअप कैसे काम करता है अब हम देखते हैं। इसके नीचे जैसे आप बेसिकली देखेंगे, हमने जो ऊपर वेरियक देखा था, जो हैंडल देखा था, ये वेरियक है बेसिकली। यहाँ से हम धीरे धीरे जैसे ही इनपुट करंट आता है, इनपुट करंट यहाँ से जाके आपका सिटी के थ्रू होते हैं, सिटी है, यहाँ से अंदर जाता है और फिर आउटपुट जाके वेरियक पे ये घूम के यहाँ आ रहा है, कॉन्टेक्ट करके यहाँ जा रहा है। फिर इसको हम वेरियक से आगे करते हैं, वेरियक से इसको घुमाते हैं, वैसे भी सिग्नल यहाँ तक आगे जाता है, ठीक है। अभी ये स्टार्ट और स्टॉप का बटन, अब ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले हम इसको सप्लाई देते हैं, तो NCB ऑन करते हैं। NCB ऑन करने के बाद इसको हम नो लोड्स पे, हमारी हाई वोल्टेज पे बिना कनेक्ट किए हुए हाई वोल्टेज पे हम इसको करते हैं, 100 kV तक लेके जाते हैं। सबसे पहले पूरा रेंज में आता है, 100 kV तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें चेक करते हैं, उसके बाद हम क्या आउटपुट वोल्टेज में चेक करते हैं, एक बार ट्रिपिंग चेक करते हैं। ट्रिपिंग चेक कैसे करते हैं, इसको 10 kV तक जाके जो वहाँ पर HP करंट है उससे हम इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो फट से ट्रिपिंग होती है, डैट मीन्स सिस्टम ओके है। आउटपुट देने के लिए हम यहाँ से केबल लेके, बेसिकली इसके इंक्रीजिंग केबल होता है, आप 3 core 1.5 square में केबल को भी कनेक्ट करके यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे ऑपरेट करते हैं। क्योंकि IPPT का हमारा मिनिमम रेंज जो है 25.5 kV है, फिर भी अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। इंडियन स्टैंडर्ड में आप जो 40 kV तक कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए, बाकी और भी कम कर सकते हैं। अभी हाई वोल्टेज किट के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये ड्राइंग है, 2 leads ऊपर दिए हुए हैं, इसका एक कॉर्नर रिंग दुआ है, यहाँ से आपका सीधे आउटपुट जाता है, ठीक है। यहाँ से आउटपुट निकल के आता है, तो इसके अलग इस नामिक क्लेचर दिया हुआ आप देख सकते हैं। हाई वोल्टेज कैसिंग पाइप्स 3 number, 5 number जो है आपका, 1 number जो है हॉट सॉकेट की रॉड DD है, 2 number वोल्टेज स्पेयर है, 12 number आपका जो है हाई वोल्टेज आउटपुट है, 3 number आपका जो है हाई वोल्टेज कैसिंग पाइप्स है, 18 number आपका जो है सेकेंडरी वोल्टेज बाइंडिंग्स है, ठीक है। और 5 number आपका जो आयरन कोर है, यहाँ से हाई वोल्टेज भी जनरेट करते हुए जाता है, क्योंकि यहाँ पे नॉब से नॉब तक हाई वोल्टेज का जनरेट होता है, ठीक है।